माता दुर्गा की आठवीं शक्ति महागौरी की कथा। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। चार भुजाएं हैं और वाहन वृषभ हैं, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इनके ऊपर वाले दाएं हाथ की अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। इनके ऊपर वाले दाएं हाथ की अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। दूसरे ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ से वर मुद्रा बना रखी है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, कहते हैं कि एक बार शिवजी द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी रूठ कर कठोर तप करने चली जाती है। कई वर्षों बाद पार्वती जी को खोजते हुए शिवजी उनके पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि पार्वती जी का रंग अत्यंत श्वेत कुंद फूल के समान धवल और ओजपूर्ण है और वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। यह देखकर शिवजी उन्हें गौरवर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। दूसरी कथा, इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी का रंग अत्यंत कांतिमान और गौर हो जाता है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।